गुरु वैष्णव साधु के चरण कमल में थोड़ा कृपा भिक्षा करके हम आज का जो आलोचना है श्रीमद् भगवत गीता का उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमारा जो चैप्टर 3 था, तृतीय अध्याय था, जो निष्काम कर्म योग जो था, वो अध्याय मतलब हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो उसमें एक्चुअली हमने क्या क्या पढ़ा था कि उसमें हम लोग ने देखा कि चैप्टर 3 में कि भगवान एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो लॉस्ट है, जो भौतिक कामनाएं हैं, ये कैसे हमारा जो ज्ञान को पूरा कवर कर लेता है और हम लोगों को मतलब ये अज्ञानता का और मतलब धकेल देता है, ताकि हम लोग जा करके ये जो मेटेरियल नेचर में बंध जाएं, भौतिक जो है तो उसमें हम लोग बंधा रहें, तो हम लोग उसमें भौतिक दुनिया में बंध जाते हैं। और उसमें ये जो मतलब और इसमें कैसे मतलब हम कर्म योग, योग मतलब है भगवान के साथ जुड़ना, तो ये कर्म कैसे भगवान के साथ जुड़ के हम लोग करें, तो जो कि हमको शुद्ध सत्व या फिर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की ओर ले जाए। तो ये चैप्टर है 4, उसमें भगवान क्लैरिफाई करते हैं कि इसमें कैसे हम लोग आगे फिर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या है, उसको वो कैसे जाएं और कौन कौन जा सकता है, इसे सब उसमें विचार किया गया है। एक्चुअली उसमें जो हम अगर देखें तो ये जो चैप्टर 3 में इसका ऑलरेडी भगवान ने हिंट्स दे दिए थे, जैसे कि हमको ये जो सकाम कर्म है मतलब कामना हेतु कुछ रिजल्ट पाना हेतु हम लोग जो कर्म कर्तव्य कर्म करते हैं, तो उसको सकाम कर्म बताया गया है कैसे, और उसमें से निकल के हम कैसे निष्काम कर्म के ओर जाएं, जिसमें हमारा कामना रहित कर्म जो बोलते हैं, क्योंकि ये कर्म योग बोला गया है ना, तो योग का मतलब है भगवान के साथ जुड़ना। तो ये जो भगवान के साथ जुड़ना है, मतलब जुड़ने हेतु जो कर्म हम लोग करते हैं उसको निष्काम कर्म बोला जाता है। तो ये और उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो लस्टी डिजायर है, लॉस्ट जो है, जो जो ये जो कामना है, ये कितना पावरफुल है और ये कैसे हावी हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि ये जो कैसे मतलब ये जो लॉस्ट कैसा मतलब उसको कैसे तुलना किया गया था, जैसे कि फायर अनकवर्ड बाय स्मोक एंड जो मिरर होता है, दर्पण होता है, उसके ऊपर में धूल जम जाना कैसे, मतलब जैसे कि हम लोग कुछ हम पहचान नहीं पाएंगे। और एम्ब्रियो इन द उम्ब मतलब उसमें बहुत ही ये जो लॉस्ट बहुत ही इंटेंस होता है, जो जिसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल है, उसमें जो उसको जैसे कि उसमें उदाहरण दिया गया था कि जैसे हम पेड़ पौधे जो हैं वो लोग कैसे अवृत चेतना में जो बोलते हैं पूरा मतलब कवर्ड कॉन्शियसनेस में रहते हैं, लेकिन उसमें जो मिरर एंड डस्ट जो बोलते हैं मतलब मिरर के ऊपर में जो धूल जम गया है, तो उसमें होता है क्या है कि जैसे एनिमल है, टाइगर है, लायन है, वो लोग अपना कंडीशनेड बॉडी में पूरा मतलब कैसे मतलब बंधे रहते हैं, कंडीशनेड बॉडी में रहते हैं, और उसमें से निकलना का चांसेस भी बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन ये जो चेतना जो कवर हो गया है, मतलब फायर जो धुआं है वो जो आग को कैसे कवर करके रखा है, उसमें थोड़ा सा मतलब कोई ब्लोइंग कर देगा तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि ये जो चिंगारी अचानक भड़क उठेगा, मतलब उसमें आग लग सकता है। तो ये मतलब ये बहुत ही मैक्सिमम चांसेस है कि हम उस जो वो जो लास्ट होता है उसमें से उभर के निकलने का।
ये सबसे इजी होता है। ये जो कल पंकज आप लोगों ने अच्छे से इसको हमको डिस्क्राइब किए थे, आलोचना हुआ था उसके ऊपर में, तो ये सारे चीज हम लोग मतलब जानते हैं। और ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, चैप्टर 4 जो है दिव्य ज्ञान योग, तो इसमें मेनली ये मेरा ये जो हिंट्स है, मेन जो हिंट्स है भगवान थर्ड चैप्टर 3.30 मतलब है 30th श्लोक में इसको बताए थे, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यासम अध्यचेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युद्धश्च विगता जरा। इसका मतलब है जो अर्जुन तुम्हारा जो कर्म कर्तव्य कर्म है वो सारे चीज मुझे समर्पण कर दो और मन मेरे मुझमें स्थिर कर दो है। इसको मतलब है पूर्ण चेतना में रह करके आप मतलब ये संन्यास मतलब क्या है, संन्यास मतलब है समर्पण कर दो, पूरा पूरा संपूर्ण समर्पण कर दो। और निराशी का मतलब यही है कि जो कौन नहीं आशा मतलब कोई आशा रहित जो है, आशा नहीं है उसमें, अपना कुछ आशा नहीं है, कुछ कामना ही नहीं है। और निर्मम मतलब जो जिसमें मी एंड माइन कंसेप्ट भी नहीं है, तो उसमें से मतलब स्थिर हो करके उस चेतना में आप रह के युद्ध कीजिए। और ये इसमें आप जो बोल रहे छोड़ के चले जाओगे तो ये है, ये जो मतलब विगत अजरो इसको जो इसको बोलते हैं मतलब आप कवर्डाइस जो मतलब आप छोड़ के उसको भाग जाना चाहते हैं, क्यों मैं करूं बेकार में, ये जो सोच रहे हो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भगवान क्या बताए थे इनडायरेक्टली कि आपका कर्म आपका काम क्या है कि आप मेरे लिए कर्तव्य कर्म करो और सारे चीज सारे जो कर्तव्य कर्म है वो मुझको अर्पण कर दो। यही तो है ट्रांसलेंडेंटल नॉलेज का बीज, वहीं पे भगवान बो दिए थे। तो उससे आगे फिर हम ये चैप्टर 4 में अगर जाएंगे उसमें एक्चुअली ग्रॉसली देखते हैं तो उसमें एक्चुअली 5 सेक्शन है जो है। एक्चुअली पहला सेक्शन है जो 4.1 से 4.10 एक से लेकर 10वां श्लोक तक, इसमें भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है जो उसको भगवान कैसे खुद ट्रांसेंडेंटल नॉलेज उनका मतलब क्या है और भगवान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज खुद कैसे हैं वो पूरा बताया गया है। तो और उसमें भी हम अगर देखें तो उसमें 2 सबसेक्शन बोल सकते हैं कि जैसे कि एक जो ये ट्रांसलेंडरल नॉलेज कैसे आया परंपरा में और फिर उसको 5 से 10 के लेकर के ये फिर वो भगवान का जो ट्रांसलेंडरल नेचर कैसा है और अपीयरेंस ये इसका स्वरूप क्या है, ट्रांसलेंडरल नॉलेज का स्वरूप क्या है उसको बताया गया है। और अगर हम फिर जाते हैं तो 4.11 से लेकर के 15वां तक ये जो ट्रांसलेंडेंटल नॉलेज को इसको कैसे हम लोग अप्लाई करें हैं ये इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि मतलब ये भगवान कैसे न्यूट्रल रहते हैं मतलब ये जो और ये जो फ्रूट्स ऑफ जो जो कर्तव्य कर्म का ये जो जो लोग करते हैं उसको कैसे भगवान के प्रति अर्पण किया जाए, उनके प्रति कैसे शरण लिया जाए, तो ये चीज जो है पूरा मतलब उधर और लिविंग एंटिटी का जो पहला वाला कर्म है उसके हेतु वो कैसे भवबंधन में बंध चुका है ये सारे चीज बताया गया है। और ये मेटेरियल बॉन्डेज में कैसे निकलना है उसको मतलब ये ट्रांसलेंडल नॉलेज का जो अप्लाई करना है तो क्यों अप्लाई करना है, जो भवबंधन में हम लोग बंध चुके हैं मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो ये बार्तन डेथ साइकिल में हम लोग बंध चुके हैं, तो वहां से कैसे निकलने का है हम लोग, ये जो निकलने है तो हम लोग इसको कैसे अप्लाई करें, ये चीज बताया गया है कि 11वां श्लोक से लेकर के 15वां श्लोक तक। और ये जो 16वां से लेकर के 24वां श्लोक तक इसको ये जो हमारा कर्म है जो ज्ञान के जो प्लेटफॉर्म है जो ज्ञान का है तो जो कर्म है तो उस प्लेटफॉर्म में रह करके हम कैसे ये कर्तव्य कर्म को समझे, मतलब ये हम लोगों को इसका मतलब यही है कि डिटैच फ्रॉम द एक्शंस हम जो कर्म हेतु जो फल है उसमें से कैसे डिटैच रहें और उसको कैसे भगवान के सर्विस हेतु अप्लाई किया जाए, वही तो होता है ना मतलब अकर्म होता है जिसको कंप्लीट निष्काम कर्म बोलते हैं, जो
कर्म, उस वो कर्म हमारा हमारे लिए है ही नहीं, वो भगवान के लिए कर्म है, तो इसको अकर्म जो बोला गया है, तो वो ट्रांसेंडेंटल होता है, यही नॉलेज होता है ट्रांसेंडेंटल, ये कर्म को समझना ही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज होता है। इसको ये सब ये जो अकर्म क्या है, उसमें रिएक्शन कैसा नहीं है, ये चीज एक्सप्लेन किया गया है। जो मतलब ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज भगवान हमको 4.16 से लेकर के 4.24 तक देते हैं, और ये जो और आगे जो 25 से लेकर के 33वां श्लोक है, उसमें भगवान हमको मतलब बताते हैं कि कैसे मतलब त्याग मतलब सैक्रिफाइस करें, जो ऑल काइंड्स ऑफ वैदिक सैक्रिफाइस जो है वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में कैसा मतलब जो फ्रूट से हम लोग जो कर्तव्य कर्म किया उसका जो फल है उसको कैसे हम लोग त्याग करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी भी त्याग कर रहे हैं, जैसे कि हम ये टाइम जो है उसमें बैठ के टीवी में न्यूज भी देख सकते थे, इसको ये जो टाइम है हम इसको त्याग दिया, भगवान का कथा श्रवण हेतु त्याग त्याग दिया है, तो ये इस टाइप का चीजें जो है कैसे हम सैक्रिफाइस करें, हम जो धन अर्जन करते हैं उसको कैसे सैक्रिफाइस करें, हमको जो स्त्री धन और जो पुत्र कन्याएं धन रत्न मिला है तो इसको कैसे हम सैक्रिफाइस करें, और जो नॉलेज हमको मिला है उसको कैसे भगवान के हेतु इसको सैक्रिफाइस करें, तो और ये कैसे हमको लिबरेशन में और अल्टीमेटली प्योर डिवोशनल सर्विस में हमको कैसे एंगेज किया जाए, मतलब यही तो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का चैप्टर यही है, तो भगवान ये सारे चीज इसमें बताते हैं, और उसमें लास्ट कंक्लूजन में ये भगवान जो हमको जो 4.34 से लेकर के पूरा 42 तक, उसमें मतलब पूरा ये जो श्लोक सेक्शन है ये पूरा कंक्लूसिव सेक्शन है कि ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या है, ट्रांसेंडेंस की शुद्ध सत्व क्या है, और ये जो नॉलेज है ये डिसाइप्लिक सक्सेशन को मतलब कैसे इसको फॉलो किया जाए, और कैसे हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस सिंपल एक्ट, ये सारे चीज हमको मतलब बताया गया है। तो मुझे हरे कृष्ण जो अंडरस्टैंडिंग कर्म ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान, तो हमारा जो ये वन कैन परफॉर्म डिटैच एक्शंस इन द कृष्ण सर्विस बाय अप्लाइंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो अकर्म होता है ट्रांसेंडेंट, हम लोग को पहले उसको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या है हम लोगों को थोड़ा थोड़ा भगवान ने हिंट्स दे दिए हैं कि शुद्ध सत्व जो है मतलब प्योर कॉन्शियसनेस में रह करके हम प्योर कॉन्शियस का मतलब क्या है कि भगवान के हेतु भगवान के चरण में हमको एंगेज करना है, हम उनका वृत्य हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस में वो पूरा प्योरिटी रहना है, तो तभी तो हम जा करके ये अकर्म कर पाएंगे, ये चीज उस सेक्शन में बताया गया है कि ये हम लोग कैसे जो नॉलेज ये जो नॉलेज है ये नॉलेज हमको मिल चुका है ना, तो जो अकर्म करना है कि या निष्काम कर्म योग में हमको ये सारे चीज पूरा बताया गया है, और ये अकर्म कैसा विदाउट रिएक्शंस है, और ये सच ये जो एक्शन है वो कैसे एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में होता है, ये चीज उनको उस सेक्शन में जो 16 से लेकर के 24 है उसमें से हमको बताया गया है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये इसमें काफी सारे मतलब इंट्रिकेट चीज है, तो उसको पूरा मतलब क्लियरली समझना है वो सेक्शन में, और आपका उसमें जो जैसे कि ये जो कर्म है ये कर्म है जो हमारा जो ज्ञान चक्षु है उसमें से कैसे हम इंट्रोस्पेक्ट करें ये जो कर्म है, ताकि हम लोग पूरा मतलब धीरे धीरे तो ये तो प्रोसेस तो ग्रेजुअल है, और ग्रेजुअल में हम पूरा अकर्म की तरफ कैसे हम ये जा सकते हैं, ये जो हमारा जो डिटैचमेंट है ये डिटैचमेंट कैसे पूरा आ जाएगा, ताकि हम ये जो रिजल्ट है रिजल्ट के प्रति हम अनासक्त रहेंगे, ये चीज उसमें ये सेक्शन में बताया गया है। और 25 से 33 तो वो सैक्रिफाइस होता है कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज प्राप्ति हेतु और भगवान की सेवा हेतु हमको कैसे मतलब सैक्रिफाइस करना है, ताकि हम लोग ये जो ये सेक्शन में मेनली हम लोग प्योर डिवोशनल सर्विस जो है उसी के तरफ हम लोगों को भगवान समझाते हैं, और अंत में जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है ये इसमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है जो जो उसमें उसमें कैसे मतलब काम करे, हाउ टू
act in the transcendental by utilizing this transcendental knowledge हमको जो प्राप्त हुआ है उसमें कैसे काम करे ताकि हमको reaction पूरा बिल्कुल ना आए वो, और जो भी हमारा sinful reaction से वो कैसे समाप्त हो जाए भगवान की कृपा है। तो ये चीज मतलब डिटेल में उसमें हम लोग बताया गया है, और हमको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में कैसे फिक्स हो करके हम लोग कैसे काम करेंगे ये चीज हमको उस सेक्शन में अंतिम सेक्शन में बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं कि कैसे हम ये जो श्लोक नंबर 1 से कोशिश करते हैं आगे चलने की। ठीक है, तो श्लोक नंबर 1 में भगवान बताते हैं इमं विवस्वतेजोगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान मनविप्राह मनिरीक्षकवे अब्रवीत। इसका मतलब यही है कि भगवान वाच, इसका मतलब है भगवान बताते हैं कि ये जो योग है, ये जो योग है मैं पहले विवस्वान को बताया था, ये इसके सूर्यदेव विवस्वान क्या किए थे ना, ये इसको फिर मनु जो है ये मानव सभ्यता का जो पिता बताया जाता है, तो फादर ऑफ द मैनकाइंड जो है इनको बताया थे, और मानव सभ्यता का जो पिता मनु है क्या उनको इच्छा जी को बताया थे, इनका जो पुत्र है तो उनको वो बताए थे। तो ये जो इसका ये यहाँ ये चीज बताने का भगवान का यही मकसद है कि ये जो चीज है, कुलमणि जी थोड़ा आप माइक ऑफ कर दीजिए, ये चीज जो है ये हम लोग उनको भगवान बताने का यही उद्देश्य है कि ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज है ये कितने साल पुराने से, मतलब सूर्यदेव जब से हैं तब से भगवान ने उनको बताया, सूर्यदेव को बताया, इसका मतलब तो यही है जब सूर्यदेव है तभी तो उन्हीं को बताएंगे। तो ये चीज ये जो नॉलेज है ये भगवान ये जो नॉलेज भगवत गीता में ये सारे जो नॉलेज है ये दिव्य ज्ञान योग में जो बताते हैं तो उसमें ये हिंट मिलता है कि दो चीज है, ये के जो क्वालिफिकेशन टू रिसीव क्या है और ये इसका ओरिजिन कब से है, इसका अंशेंट जो ओरिजिन है ये कब से है, ये चीज का हिंट हमको यहाँ मिलता है क्योंकि ये इसमें से ये पता चलता है कि ये बहुत ही पुराना है, आदिकाल से है जैसा मतलब, और ये जो सूर्यदेव को बताया गया है तो ये कैसे बताया गया है कि ये डिसिप्लिक सक्सेशन में भी बताया गया है कि क्योंकि सूर्यदेव को जो सूर्यदेव का जो क्वालिफिकेशन था वो क्या था और उसको सूर्यदेव को क्यों बताए गए थे और इसमें उनका क्वालिफिकेशन हेतु ही बताया गया था, तो ये उसके बाद में ये फिर मनु को दिए थे, तो मनु को दिए थे और मनु इच्छा को दिए थे। तो ये चीज जो हम ये मैं पहले देखते हैं कि ये जो क्वालिफिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वालिफिकेशन नहीं होने से कोई कुछ रिसीव नहीं कर पाएगा। ये क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि हमको 4.34 में जाएंगे तद विधि प्रणिपात है न परिप्रेषण सेवया, इसका मतलब इस सरेंडर हो जो सरेंडर होता है उपदेश ज्ञान यानी न तत्वदर्शन, मतलब जब सरेंडर कोई होता है तभी तो ये ज्ञान वो पा सकता है, हैं? तो वैसे ही मतलब वैसे कोई मतलब ज्ञान नहीं पा सकता है। और आगे जाकर के फिर अगर हम 4.39 में देखेंगे तो उसमें लिखा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजत इंद्रिय, जिनका इंद्रिया संजत है कंट्रोल, जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है और ये श्रद्धा जिनका है, हैं? तो ये जो नॉलेज वो पाने का लायक है, हैं? तो फिर आगे अगर हम जाएंगे तो जैसे कि चैप्टर 9.1 में भी भगवान ये बताते हैं कि इदंतु गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि मानस प्रवक्ष्यम अनुशयवे, इसका मतलब ये जो उनको मन में जो ईर्ष्या है, एनवियसनेस जो जिनका मन में नहीं है,
तो ये जो जो एक्चुअली डिवोटी है, जो डिवोटी है तो उसके उसमें ये सारे चीज का लक्षण पता चलता है। तो ये जो लक्षण बताया गया है कि जिसको मतलब कोई भी उसमें ऐसा थोड़ा सा भी नहीं है, एनवियसनेस बिल्कुल नहीं है, और जो मतलब सरेंडर करते हैं और जो अपना इंद्रियों को संयम कर चुके हैं, जिनका श्रद्धा है, तो ये सारे चीज, और जो तद्विधि प्राणिपातन परिप्रेषण, जो जो जा करके वो जो सरेंडर्ड सोल है, तो उन उन लोगों को ये नॉलेज मिलता है। बट ये क्या हुआ कि ये बाय द कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि ये जब ये इसमें सूर्यदेव को भगवान क्यों बताए थे, उनका तो क्वालिफिकेशन जो था उसमें क्या है कि ये जो ब्रह्म संहिता है 5.52 में भगवान ब्रह्मा जी ये बताते हैं कि चक्षुरेश सवितांग सकल ग्रहणांग राजा समस्त सूर मूर्ति रे शेष चेतेजा जस्य ज्ञा भ्रमति संभूत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो उसमें क्या मतलब ये जो समस्त ग्रहों का राजा बताया गया है सूर्यदेव को, और ये सकल शक्ति का आधार है, जैसे मतलब उस जो सेंटर में रहते हैं, और ये सारे जो तेज है उनका तेज कितना प्रखर है, और उसपे उस उसका वो अधिकारी है, और ये भगवान का चक्षु जैसा है, मतलब चक्षु रे सबिता, मतलब भगवान का ये एक आंख होते हैं, सूर्य चंद्र ये भगवान का आंख जैसे होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि भगवान का आदेश मन के, मतलब जैसे भृत्य कितना सरेंडर्ड सर्वेंट जैसा, ये क्या करते हैं कि अपना जो कर्तव्य कर्म कैसे, मतलब अपना कच्छ पथ जो है उसमें पूरा चलते रहते हैं बिना मतलब रुके, कैसे मतलब मान के चलते हैं भगवान का, तो ये तो सरेंडर्ड है ना, तो इसीलिए भगवान उनको बताए थे। लेकिन तो क्यों कि भगवान खुद बताते हैं इधर ये श्लोक में, तो यही प्रतीत होता है कि भगवान उनको पहले ही बताए थे, और वो ये ज्ञान प्राप्त हेतु पहला शिष्य है भगवान का है? क्योंकि ये जो ये तो इसका मतलब यही है, ये जो गीता का ज्ञान है यहाँ भी इनडायरेक्टली यही है कि ये जो ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, ये भगवान ने जो बताया है, ये कोई साधारण सी ज्ञान नहीं है ना, ये कोई 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 बताते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं था, कुरुक्षेत्र कहाँ है, भगवान कहाँ है, अर्जुन कहाँ पे, ये सब काल्पनिक है, और ये जो चरित्र है, कर्ण है, द्रोण है, ये फिर ये सारे मतलब ये काल्पनिक है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान खुद बताते हैं कि ये चीज जो है मैं पहले विवस्वान या फिर सूर्यदेव को बताया था, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन ऐसा ही था, क्योंकि वो फुली डिवोटेड टू लॉर्ड्स जो सर्विस है, भगवान जो चाहते हैं तो सुरक्षित संरचना है, तो उनका जो डिजायर है उसमें पूरा मान के चल रहे थे, तो उनको बताए थे, और वो क्या किए थे, ये सारे जो जो मानव है, क्योंकि मनु का क्या है, मनु का ये जो लाइफ पीरियड है, अब अभी अभी जो मनु का लाइफ पीरियड चल रहा है, वो एक्चुअली बताया गया है कि 3,053 लाख साल है, तो उसमें से एक्चुअली 12,04,000 साल ऑलरेडी जा चुका है। इसका मतलब ये मनुष्य को जो ये नॉलेज जो मिला है, ये कम से कम उतना दिन से तो मिला है, उससे आगे तो मनुष्य नहीं थे, उसका कोई वर्णन नहीं है, इसीलिए तो जो 1204 लाख साल जो है, 1204 लाख जो सालों बीत चुका है, तब से तो ये मनु का जो शासन काल चल रहा है, क्योंकि उनको सूर्यदेव से ये नॉलेज प्राप्त है, तो ये जो नॉलेज है वहां से तो वो ट्रांसफर हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो शास्त्र है ये तब से एग्जिस्ट कर रहा है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर में, ये कर रहा है। लेकिन ये क्या होता है कि ये जो डिसलाइफिक सक्सेशन जो वो सही ढंग से नहीं चलने के कारण से ये क्या हुआ है, बाय द कोर्स ऑफ टाइम ये जो नॉलेज, गीता का जो नॉलेज है वो धुंधला हो चुका था, धीरे धीरे हो करके ये चेन जो है ब्रेक हो गया था, और इसीलिए भगवान इधर
इस चीज को फिर से अभी ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है ये 5000 साल पहले हुआ था, तो तब से ये भगवान जो अर्जुन को बताए थे तो तब से ये फिर से ये जो मानव सभ्यता में फिर वो आ चुका है, क्योंकि ये भगवान का जो 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 ज्ञान है ये अपुरुषेय बताया गया है, क्योंकि ये नॉलेज कोई आदमी ने नहीं बताया या ना क्रिएट किया है, क्योंकि भगवान खुद बताते हैं कि मैं ये चीज को सूर्य देव को एवं विवस्वते योगम प्रोक्त प्रोक्तवान अहम् अव्ययम्, मतलब प्रोक्त मतलब मैं जो मतलब मैं उपदेश दिया था मैं ही बताया था, हाँ मैं अहम मतलब पहले मैं बताया था किनको, विवस्वान को। तो और उसमें आगे लिखा है कि विवस्वान मानव प्राह, मतलब विवस्वान इसको मानव मनु को बताया था, मानव का मतलब है मनु को, मनु जो है मानव जाति का पिता है उनको बताया था। और प्राय मनुर इच्छा की ओर अब्रवित, इच्छा क्यों को उनका जो पुत्र है इच्छा क्यों उनको बता दिए थे। तो ये जो नॉलेज है ये सिंपल नॉलेज नहीं है, लेकिन ये जो 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 परंपराएं हैं जो जो डिसाइप्लिक सक्सेशन बताया गया है, जैसे कि इधर क्या हुआ कि भगवान ने सूर्यदेव को बताया, सूर्यदेव ने मनु को बताया, मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को बताया, तो ये डिसाइप्लिक सक्सेशन में आना है। और ये चेन जो ब्रेक हो जाने के कारण भगवान को ये चीज और एक बार फिर बताना पड़ रहा है अर्जुन को। और आगे अगर हम इसमें क्या है कि ये जो इसमें इसका मतलब है या इस पॉइंट से हमको अगर उससे आगे मतलब पिछला और पीछे जाएंगे तो उसमें कहीं ये नॉलेज का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है ये जो नॉलेज है ये क्लेम्स टू बी द ओरिजिनल प्रोपोनेंट ऑफ दिस नॉलेज कौन है, वो भगवान कृष्ण खुद हैं। तो इसके है कि ये जो नॉलेज है इसको भगवान खुद ने ये रिवील करने के लिए, जैसे कि सूर्यदेव को बताए थे और अभी ये चेन ब्रोकन होने के बाद में वो धुंधला होकर के वीक पड़ गया था, ब्रेक हो गया था वो, तो वो नॉलेज ब्रेक हो जाने से, क्योंकि बीच में सारे जो राक्षसी प्रकृतियां है तो उसमें से वो लोग कैरी आउट नहीं करेंगे, भगवान का ये जो नॉलेज है उनको, भगवान का जो ईश्वर है तो उसको ईशावश्य जो है उसको मतलब वो मानेंगे नहीं, क्यों तो भगवान का एग्नेस्ट में है, विरोधाचरण करना है तो वो लोग नहीं मानेंगे, बल्कि वो सारे ब्रेक हो गया था। फिर आगे जा करके भगवान ने अर्जुन को ये सारे चीज बताया, और इसमें ये चीज और एक चीज बताया गया है कि जनरल लॉजिक प्रभुपाद ने दिए हैं कि ये जो नॉलेज है ये क्या है कि इसमें राजाओं को दिया गया जाता है, क्योंकि राजाओं को देने से क्या होता है ये वो लोग क्या करेंगे ये अनुशासन करके जो पब्लिक जनरल पब्लिक है उसमें इस चीज को स्प्रेड करेंगे, और ये जो नॉलेज है उन लोगों को भी आएगा, मानव सारे जो प्रजाओं को आएगा, प्रजाएं भी उस नॉलेज में एनरिच होंगे, और वो क्या करेंगे कि ये जो भौतिक कर्म बंधन है उसमें से कैसे निकलेंगे प्रजाएं, उसको ज्ञान उनको मिलेगा। तो इसीलिए राजाओं को देने से ही वो प्रजाओं को मिलता है, और हर एक आदमी को तो ऐसे जाकर के बता नहीं सकते, इसीलिए जो जो राजाएं हैं राजर्षि जिसको बोलते हैं उनको सब ये नॉलेज दिया जाता है, ताकि ये जाकर के मानव सभ्यता में जाकर के पियर्स करे धीरे 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 नीचे से नीचे जाकर के, और सारे मानव जो धर्म है मानव जाति है उसको ये चीज का लाभ मिले कि कैसे हम लोग निष्काम कर्मयोग में युक्त हो करके ये जो भौतिक कर्म बंधन है जो दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो ये वार्तान डेथ साइकिल में जो विपत्तियां हैं उसमें जो सड़ रहे हैं लोग, तो और उसमें उसके ऊपर में और तीन जो दुख है आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक जो दुख है दुखालय अश्वासतम, इसीलिए बोला गया जो दुख भोग रहे हैं उसमें से कैसे वो लोग निकल के फिर आगे जाएं। और फिर श्लोक नंबर
दो में श्लोक नंबर दो में भगवान फिर बताते हैं कि एवं परंपरा प्राप्त इमं राजसयो विदुः सकाळनेह महता जोगो नष्ट परम तपः। ये क्या है, ये जो परम विज्ञान ज्ञान है, ये परंपरा मतलब है गुरु शिष्य परंपरा। एक गुरु ने अपना शिष्य को देता है, फिर वो अपने शिष्य को देता है, ऐसे मतलब ट्रांसफर होकर के वो जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि जो राजर्षि गण इसको जानते थे, किंतु ये जो काले नहीं हो, इसका मतलब है मतलब ये जो समय अतिक्रांत हेतु ये क्या हुआ ना, ये धीरे 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 ये जोग नष्ट परम तप, इसका मतलब है ये जो जोग का मतलब है क्या है कि जो कनेक्शन था भगवान के प्रति, जो भगवान के लिए जो कनेक्शन था, ये पहले तो ये नॉलेज था। तो ये जैसे कि हम लोग डिस्कस किए कैसे सूर्यदेव को मिला था, फिर मानव सभ्यता को कैसे मनु के थ्रू मिला था। तो ये इच्छा क्यों बताए थे, क्योंकि वो शासन आगे आगे परंपरा में चलेंगे ना, ये तो मिला था, लेकिन ये ब्रेक हो गया था। तो इसीलिए ये जो योग नष्ट परम तप, नष्ट परम तप मतलब ये है, ये जो जो परम तप, ये अर्जुन को बताया गया है कि भगवान खुद बताते हैं कि श्लोक नंबर एक तो भगवान उवाच में शुरू हुआ है ना, तो भगवान इसको आगे आगे बताते जा रहे हैं। सकाळ नेह महता जोगो नष्ट, मतलब ये जो कनेक्टेड थे, जो ये कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो गया है, नष्ट हो गया है। तो ये बताते हैं कि इसीलिए ये जो इसका जरूरत पड़ा कि ये जो यहाँ अर्जुन को बताने का मतलब यही है कि ये जो सारे जो चीज हैं, ये क्या होता है, जो परंपरा में नहीं आते हैं, ये क्या करते हैं कि इस चीज को अपना स्पेकुलेशन में वो जा करके ये सब ये करते हैं, क्योंकि जो डिवन एक स्पिरिट होते हैं इसको क्या करते हैं, उनका चार चार एक्चुअली डिफेक्ट्स, इधर चार डिफेक्ट बताया गया है, क्योंकि इनको क्या होता है कि चार डिफेक्ट क्या होता है कि उनका सेंसेस जो होता है इनपरफेक्ट होता है। हम अगर किसी चीज को जा करके पकड़ते हैं आंख बंद करके जी, है तो एक अगर ये पतला है तो हाथ में पकड़ में आ जाते हैं, कोई इसको डंडा बोल सकता है, कोई इसको कोई मतलब कांच का या बोतल बॉटल बना मतलब कांच का बोतल जैसा बता सकता है, कोई एक मोटा पेन बता सकता है, इसको सेंसेस जो स्पर्श इंद्रिय होता है वो एक्चुअली हमारा जो सारे सेंसेस है वो एक्चुअली इम्परफेक्ट है। और ये क्या है कि हम में चीटिंग प्रोपेंसिटी होता है, ये दूसरा, और तीसरा होता है कि हम हमेशा मिस्टेक करते रहते हैं। हम जो हमारा जो ये जीभ है, जीभ ये हमेशा मिस्टेक ही करता है, और वो क्या होता है कि वो जो इल्यूजरी जो वो बिल्डर होता है, इल्यूजन जो है उसमें से फंस जाता है, इसको एक्सेप्ट करके उसमें फंस जाता है। उसे जो चार डिफेक्ट है, ये चार डिफेक्ट सब में होता है, ये जीव है तो मनुष्य में भी ये चार डिफेक्ट होता है। तो ये रहने के कारण में वो क्या करता है कि इस ये मुंडेन इंटरप्रिटेशन कर लेता है। तो क्या करता है, ये चार डिफेक्ट है तो ये जो भगवान जो नॉलेज दिया है उसको, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो है, कोई बताता है नहीं वैसा क्यों होगा, फिर दूसरा तरीका बताते वैसा क्यों नहीं होगा। तो ये ऐसा वैसा करते करते अपना जो स्पेकुलेशन है उसमें डाल देते हैं, क्योंकि वो इसीलिए ये जो चार डिफेक्ट है इसके हेतु बताया गया है कि जो जिनका पास में डिफेक्ट है वो कोई मतलब स्टेटमेंट दे या फिर कोई भी नियम बनाए, वो डिफेक्टिव होता है। जैसे कि हमारा अभी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जो जो सारे चीज मतलब जो नियम बताया गया है, जो हमारा जो आचार संहिता जो बताए मतलब बनाते हैं पार्लियामेंट में भी बिल पास करके भी उसको बनाते हैं, फिर आगे जा करके फिर उसको तोड़ के फिर मॉडिफाई करते हैं, फिर मॉडिफाई करते हैं, फिर मॉडिफाई करते हैं, ये होता रहता है। क्योंकि ये मनीषा जो है उसको बनाते हैं वो परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन लेकिन भगवान ने जो चीज बता दिया कि उनमें ये चार डिफेक्ट नहीं है,
वो तो ये जो कंडीशनेड सोल नहीं है, वो परमेश्वर हैं, भगवान खुद है, इनको मतलब सुपर सोल है, तो उनमें से ये डिफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए भगवान जो धर्म जो प्रणयत करते हैं उसमें कोई डिफेक्ट ही नहीं है, वो परफेक्ट होता है। तो ये लेकिन ये इसमें जो अशरीक लोग होता है वो क्या करते हैं कि ये परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे, वो कौन है, ऐसा क्यों नहीं होगा बोल के उनको उनको मतलब अहंकार रहता है ना, तो इसीलिए वो फॉलो नहीं करेंगे। और क्या करेंगे ना, अपना जो ह्यूमिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है, जो मन में आया वैसे मतलब उसको ही करेंगे। जैसे राक्षस लोग है, तो अगर कोई राजा का स्वभाव अगर राक्षस जैसा थोड़ा हो गया तो वो क्या करेगा, वो अपना रूल बताएगा नहीं कोई ऐसा नहीं कर सकता, मैं बताता हूं, तो कोई जो करेगा वैसे दंड मिलेगा। भले ही भगवान का जो नीति नियम है वो चालू करने के लिए उनका राज्यवासी चाहते हो, लेकिन वो करने नहीं देगा, वही म्यूजिकल इंटरप्रिटेशन करके वो उसको अपना नियम बना देगा, फोर्स करेगा, क्योंकि वो राजा है, सब मानने के लिए बाध्य है। और क्या करते हैं कि वो भगवान का जितने भी प्रॉपर्टी है वो खुद को बोलेगा कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, और उसमें से वो कैसे और पैसा निकालेगा, मतलब भगवान का प्रॉपर्टी से भी वो पैसा निकालने के मतलब उसमें लगा रहेगा। और क्या होगा, ये जो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, अपना जो फिलोसफी है उसको भी उसमें भरेगा। तो और क्या करेगा, तो ये और ये भगवान को, जो भगवान को कभी नहीं मानेगा, क्योंकि वो सोचता है मैं भी एक भगवान हूँ, मैं भी हूँ, मैं मैं कौन हूँ, तो मेरा बात चलेगा इधर, तो इस टाइप का सब चलता है। तो इसीलिए ये होगा क्या, ये सारे जो परंपरा का जो चलने वाला जो 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 ज्ञान है, जो ट्रांसपेरेंटली जो शिफ्ट होना है, नेक्स्ट जनरेशन जो शिफ्ट होना है, वो क्या होगा, ब्रेक हो जाता है। तो ये इसीलिए ये जो यहाँ प्रभुपाद का जो बोलना यही है कि जितने भी सारे जो एडिशन से, जैसे कि भगवत गीता है, ये तो हम भगवत गीता के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जितना भी एडिशन है वो अगर ऑथराइज्ड डिसाइप्लिक सक्सेशन है, जो डिसाइप्लिक सक्सेशन जो परंपराएं हैं आ रहे हैं, जो ऑथराइज्ड हैं, उसमें से नहीं है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द जो भाष्य है गीता का वो नहीं है। तो इसीलिए एक जो सही परंपरा, जो ऑथराइज परंपरा है, उसमें से जो एक भगवत गीता का एडिशन जो है उसका जरूरत है, हैं? तो इसीलिए प्रभुपाद ने इसको भगवत गीता, क्योंकि ये जो डिसाइपलिक सेक्शन ब्रह्माधव गौड़िया परंपरा, ये भगवान उस नारद बने, फिर व्यासदेव, ऐसा होकर के पूरा डिसाइपलिक सक्सेशन में मतलब महाप्रभु भी आते हैं, और ये 22 स्टेज में मतलब आते हैं, और ये प्रभुपाद भी उसी परंपरा में आते हैं। तो उनका इसमें जो लिखे हैं कि इसीलिए ये भगवद गीता आज इट इज उनको लिखने की जरूरत हुआ था, तो इसीलिए इनका, नहीं तो इससे आगे बहुत सारा भाष्य है, बहुत सारा मतलब टीका, ये जो सारे चीज मौजूद है, लेकिन वो सारे ऑथराइज डिसाइपलिक सक्सेशन में नहीं आता है, इसीलिए भगवान जो बताया वो आज इट इज वो नहीं आया। इसीलिए ये जो भगवद गीता हम लोग पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है कि भगवत गीता आज इट इज का मतलब है भगवान जैसे बताया था वैसे ही ये है। तो इसको फिर आगे लाने के लिए इसका जरूरत पड़ा। और श्लोक नंबर 3 में ये बताया गया है कि स एवायंग मया तेद्य जोग प्रक्त पुरातन प्रभसी मे स काचेती रहस्य हेतु उत्तम। इसका मतलब है भगवान इसको अर्जुन को बोलते हैं कि आप मेरे अति प्रिय भक्त है और सखा है, इसीलिए ये जो पुरातन योग कथा है, इसीलिए मैं आपको
ये चीज बताता हूं, ताकि आप ये जो दिव्य रहस्य है आप उसको, ये जो ट्रांसेंडेंटल साइंस जिसको बोलते हैं, इसको आप समझ सकते हो, क्योंकि आप मेरा प्रिय भक्त है और सखा है, तो इसीलिए भगवान ने उनको ये बताया है। लेकिन ये भगवान ने इसीलिए ये शिक्षा देने हेतु अर्जुन को, इस कारण से उन्होंने एक्चुअली ढूंढा है। लेकिन ये श्लोक नंबर 4 में फिर भगवान एक्चुअली अर्जुन फिर उनका मन में कुछ डाउट आ जाता है, तो ये फिर आगे पूछते हैं कि अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजयानियं तुमादौ प्रोक्तवानिति। इसका मतलब है कि वो अर्जुन बताते हैं, हे सूर्य देवता व्यवसान, आपका मतलब ये बहुत पहले ये हैं, तो ये जन्म लाभ किए हैं, जन्म परंग जन्म विवस्वता, इसका मतलब है भगवत जन्म परंग जन्म विवस्वता, जे तो जो सूर्य देवता आपका बहुत पहले मतलब जन्म है, तो आपने उनको शिक्षा दिया है, तो आप पहले उनको ये जो योग है, ये योग विज्ञान, इसका मतलब है, मतलब ये जो ट्रांसेंडेंटल साइंस है, ये ट्रांसेंडेंटल साइंस उनको शिक्षा दिए हैं, तो मैं अभी कैसे, मतलब जो 1204 लाख साल से पहले मनु ने मानव सभ्यता को मिला था, तो उससे तो कई पहले जैसे मतलब मनु का जो है वो कितना है, मतलब यहाँ बताया गया था कि 3053 लाख साल पहले वो थे, तो उनसे पहले फिर सूर्य देवता को बताया गया था। अभी तो अर्जुन का जो ये कुरुक्षेत्र युद्ध है वो 5000 साल से पहले हुआ था, तो ये वहां से कितना पुरातन है, तो इतना पुरातन होने हेतु आप उनको बताए थे, तो जैसे कि, लेकिन मैं कैसे इसको समझ सकता हूँ, इतना पुरातन जो है वो कैसे मैं से समझता हूँ, इसका मतलब यही है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान खुद बताते हैं ना, ये जो 3rd श्लोक में भगवान बताते हैं कि आप मेरा अति प्रिय भक्त हो और भक्त असी में सखा, तो इसीलिए भक्त हो और मेरा डियर फ्रेंड हो, तो इसीलिए आप ये दिव्य रहस्य को समझ सकते हैं, कि भगवान जानते हैं कि अर्जुन समझ सकते हैं, लेकिन अर्जुन ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोगों के मतलब हम लोग कैसे उसको समझेंगे, और इसको भगवान के मुख से हमको कैसे अर्जुन कृपा करके हम लोगों के लिए ये बुलवाते हैं कि ऐसे बोलने से हम लोग समझ पाएंगे, तो इसीलिए इधर प्रभुपाद लिखते हैं कि आप तो ये भगवान का अति प्रिय भक्त है, वो कैसे भगवान का कथा नहीं समझ सकते, जो भगवान का भक्त होते हैं वो तो भगवान का कथा भली भांति समझ सकते हैं, लेकिन फिर वो कैसे क्यों ऐसे बताए, तो इसीलिए हम लोगों को ये समझाने हेतु ये अर्जुन ये क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्योंकि भगवान क्या अर्जुन मतलब भली भांति जानते हैं कि ये जो भगवान क्या सब सबका उद्भव स्थल है और भगवत अनुभूति का अंतिम स्तर है, ऑलरेडी 3rd चैप्टर में ये भगवान ऑलरेडी उनको डिटेलिंग कर चुके हैं, तो कैसे इसको भूल सकते हैं, लेकिन हमारे मंगल है, कामना है, तो हमको जानने है तो ये पूछते हैं, क्योंकि अगर हम हमको अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्ता भजते मां बुद्धावत, इसका मतलब है मेरे से सारे उत्पत्ति हुए हैं और ये मैं ही अंतिम हूँ, तो ये चीज ऑलरेडी अर्जुन जान चुके हैं, बट यहाँ क्वेश्चन करने का मतलब ये ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमन काइंड, ये क्वेश्चन करते हैं, ये टाइम, सॉरी, हरे कृष्णा।